अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और महत्वपूर्ण क्लास में जो कि आपका सीटेट या स्टेट टेट से जुड़ा हुआ है। और अभी के क्लास में एक बार फिर से हम जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बीच जो बहुत ही ज्यादा बेहतर क्वेश्चंस हैं किसी सब्जेक्ट के वो हम आपके बीच लाने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले हमने 11 बजे आपको क्लास ली थी जिसमें कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। मैंने बाद में जाके आप लोगों का रिपोर्ट देखा, बहुत ही अच्छा आप सभी लोगों ने परफॉर्म किया। तो यहाँ पर हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं कि एक बार फिर से आप जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप स्मार्टली देखेंगे और आंसर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी तभी मजा आया होगा और काफी अच्छा रहा। आप में से काफी लोगों ने काफी तेज और काफी करेक्ट आंसर देने में अपनी पूरी मतलब योगदान दिया था और हमने भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो एक बार फिर से वो क्लास आपके लिए आ चुका है और चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे और जितने भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको देने हैं। और क्वेश्चंस आपको कहां पर दिया जाएगा तो कमेंट में पिन किया जाएगा। तो चलिए काफी लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। जो उम्मीद है कि आप लोगों ने जो हमारे तरफ से जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो भी आप लोगों ने लिया होगा कुछ सब्जेक्ट का। अगर कुछ सब्जेक्ट का आपका बाकी होगा तो वो आप लोग ले लीजिएगा। तो चलिए तो जो क्वेश्चन आपको कमेंट में पिन है उसको आपको आंसर देना है और हम लोग शुरुआत करेंगे आप क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोग रेडी हैं इस चीजों के लिए। सब लोग कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लोग इसके आंसर देने के लिए रेडी होंगे और शुरुआत करेंगे हम लोग टेस्ट का। ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा, 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, मतलब बेस्ड ऑन द क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, फिर आपका पोल ओपन किया जाएगा। तो उस पोल में उस पार्टिकुलर क्वेश्चन पर आपका क्या परफॉर्मेंस है वो भी हम आपको बताएंगे। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। फिर जो भी लोग कमेंट कर पा रहे हैं आप कमेंट कर दीजिए। हम लोग अब आपके क्वेश्चंस का यहां पर स्टार्टिंग करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दिया जा रहा है। कमेंट में देखिए ओके चलिए क्वेश्चन शायद गया नहीं था, क्वेश्चन हमने पिन कर दिया है। फटाफट क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पोल अब हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। पोल चल रही है। जो क्वेश्चन पिन किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। बीच बीच में मैं ओवरऑल भी बताऊंगा टोटल अभी तक में कितना आपने किया है। नॉर्मली पर क्वेश्चन में बताऊंगा इस क्वेश्चन में किन्होंने कैसा किया है। सब लोग आंसर करेंगे तो जो करेक्ट और टाइम पे पहले आंसर करेंगे उनका होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के टॉप 5 में है रेखा बिदुरी जी, रिंकू श्रीवास्तवा, सीमा गग्गू गग्गू एंड नीतू राणा जी। तो रेखा बिदुरी जी ने 1.4 सेकंड में आंसर किया, उसी तरीके से उसके बाद 1.6 सेकंड, 1.8 सेकंड, 1.8 सेकंड, तो ऐसे है टाइम वाइज और करेक्ट आंसर आना है। तो ए आपका इसमें करेक्ट आंसर था। राइट, तो ए आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद की अवधारणा पर आधारित नहीं है। व्यवहारवाद की अवधारणा पर आधारित नहीं है, ये आपका आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो व्यवहारवाद की अगर आप बात करते हैं तो उसके अनुसार मनोविज्ञान केवल तभी सच्ची वैज्ञानिकता का वाहक हो सकता है जब वह अपने अध्ययन के आधार से
व्यक्ति की मांसपेशीय अनुक्रियाओं को बना सके। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास है वो मोटा मोटी स्टेजेस ऑफ एज डिफरेंस के बारे में है, ठीक है। तो व्यवहारवाद की अवधारणाओं पर ये आधारित नहीं है, राइट। ये आपका पहला क्वेश्चन था और काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। तो कुछ आप कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसमें आप सही और पहले आंसर दें। ये दोनों ही टेस्ट, दोनों ही तरह के टेस्ट आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आपके कमेंट में पिन कर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए फिर पोल ओपन किया जाएगा, हड़बड़ाइएगा मत। क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 10 सेकंड लगता है, 15 सेकंड वो टाइम मैं दूंगा, फिर पोल ओपन करूंगा। चलिए अब आप लोगों के लिए यहां पर पोल ओपन किया जाएगा। पोल ओपन है ऑलरेडी। सही आंसर देना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सब लोग आंसर करिए। सब लोगों को आंसर करना है, क्वेश्चन आपको पिन किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के टॉप फाइव में है प्राची, उसके बाद ममता करवाशरा, उसके बाद दिनेश कुमार लोढ़ा, फिर पूनम जी और निवेदिता कुमारी, ये इस क्वेश्चन के टॉप फाइव में है। ओके, क्वेश्चन क्या है कि आंतरिक प्रेरणा की क्या विशेषता नहीं है, है ना। तो आंतरिक प्रेरणा समझ रहे हैं, अपनी इंटरनल प्रेरणा। तो उसका ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा प्रशंसा करना भी एक शक्तिशाली प्रेरणा है, हालांकि इसका प्रभाव इसके कुशल उपयोग पर निर्भर करता है। ये जो है ये आंतरिक प्रेरणा नहीं है, है ना। शिक्षक अगर कोई प्रशंसा कर रहा है मेरी, तो ये मेरी आंतरिक प्रेरणा नहीं है, ये मेरी बाह्य प्रेरणा है, राइट। तो जब कोई बच्चा आंतरिक रूप से प्रेरित होता है तो उसका व्यवहार उसकी आंतरिक इच्छा से प्रेरित होती है, जो वह खुद के लिए करता है, राइट। इसलिए वो आंतरिक प्रेरणा नहीं हुई, है ना। तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो आप बना पाएंगे। चलिए एक तरह का आप ये परफेक्ट रिविजन सोचिए। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है। पोल ओपन किया जा रहा है आपके लिए। कोशिश करिए एकदम शातिर बनने का, परफेक्ट और फास्ट दोनों ही चीज होना चाहिए। एक्यूरेसी होना जरूरी है, सिर्फ फास्ट होना जरूरी नहीं। और आपको खुद भी पता चल रहा होगा आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम में के सहायक या गौण नियम का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, नहीं है। काफी लोगों ने गलत आंसर दिया है, काफी लोगों ने गलत आंसर दिया है। कौन सा सहायक या गौण नियम का हिस्सा नहीं है। समझे, थार्नडाइक द्वारा दिए गए अधिनियम के सहायक या गौण नियम का कौन सा हिस्सा नहीं है। मनोवृत्ति का नियम, अनुरूपता का नियम, अभ्यास का नियम या बहुअनुक्रिया का नियम, है ना। तो थार्नडाइक ने जो गौण नियम दिए थे, राइट, उसमें जो सीखने का नियम की बात करते हैं उसमें से वो नहीं है, तो वो आपको बताना था। सीखने के अगर आप गौण नियम की बात करते हैं तो कौन कौन सा सीखने का गौण नियम है,
पता है आप लोग को, मैं बता देता हूं। गौण नियम में आता है सबसे पहले मनोवृत्ति का नियम, ठीक है, उसके बाद आता है बहु अनुक्रिया का नियम, उसके बाद आता है आंशिक क्रिया का नियम, उसके बाद आता है अनुरूपता या संजमन का नियम, उसके बाद आता है संबंधित परिवर्तन का नियम। ये पांच गौण नियम के अंतर्गत आते हैं। आपको गौण नियम पूछा गया था, मुझे पता है ज्यादा लोगों ने गलती इसलिए की क्योंकि उन्हें लगा कि संबंध क्या कहते हैं, समंजन या सामंजन या सामंजस्य उसके अंदर नहीं है। आप जो अभ्यास के नियम बात करते हैं वो गौण नियम नहीं है, वो सीखने के मुख्य नियम में आते हैं, समझ रहे बात। सीखने के मुख्य नियम में आपका तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, लेकिन गौण नियम में वही पांच है, समझ रहे हैं बात। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्मार्टली आपको ये कर देता है। काफी कम लोगों ने करेक्ट आंसर इस बार दिया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हड़बड़ा रहे मुझे लगता है, हड़बड़ाइए मत, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। मैं थोड़ी देर बाद पोल ओपन करूंगा लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कितने लोग कमेंट कर पा रहे हैं ये बताइए, जो लोग प्लस वाले होंगे वो कर पा रहे होंगे, कितने लोग कमेंट कर पा रहे हैं। नीतू राणा जी, माला कमल जी, नहीं कमेंट में आंसर नहीं देना, बस बताइए आप कमेंट कर पा रहे कि नहीं। पोल अभी ओपन होगा इसका, आप दोनों आंसर कर पा रहे हैं, और कोई और कौन कमेंट कर पा रहे हैं। जो भी लोग पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं आप लोग अनअकैडमी प्लस जल्द से जल्द ले लीजिए। रेफरल कोड योर ऑनलाइन पार्टनर है, 10% डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद आप मुझे कंफर्म करिए, और भी ज्यादा मेरे तरफ से आपको मिलेगी बेनिफिट्स। रुचि अमोली जी, ओके, तो जब आप लोग, जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी लोग कमेंट कर पा रहे हैं, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आप एक बार बोल दीजिएगा कि सर पढ़ लिया, तब मैं पोल ओपन करूंगा। जब आपका कमेंट आएगा कि सर पढ़ लिया, तब मैं कमेंट ओपन करूंगा, पोल ओपन करूंगा, है ना। इतना आप हमारे लिए कर दीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग ना पोल में जल्दी करने के चक्कर में जल्दी जल्दी में कुछ भी लगा दे रहे हैं। तो जब एक दो आदमी ने पढ़ लिया मतलब कि एवरेज टाइम हो गया वो पढ़ने का, कोई कोई क्वेश्चन बड़ा होता है, कोई क्वेश्चन छोटा होता है, राइट। प्लीज ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, तो मैं अब पोल ओपन करता हूं, तो एक कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ना भी है, हड़बड़ा के भागना महत्वपूर्ण नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना जैसे एग्जाम में पढ़ना वो महत्वपूर्ण है, राइट। चलिए तो यहां पर हम पोल ओपन करते हैं, करिए आंसर सब लोग। सब लोग पोल में आंसर करिए, सेवेंटी सेवन परसेंट अभी तक करेक्ट आंसर आया है। तो चलिए जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, कमेंट में आपको पिन किया हुआ होगा क्वेश्चन और पोल में आंसर करना है। टॉप फाइव में है प्राची जी, निवेदिता जी, सीमा जी, मेनका कश्यप जी और कनिष्का जी, राइट। ये पांच लोग टॉप फाइव में है, ओके। और अभी तक का मैं ओवरऑल एक बार बता देता हूं, ओवरऑल अभी टॉप थ्री में सारे क्वेश्चंस मिला के फर्स्ट है सीमा जी, सेकंड ज्योति जी, थर्ड है सावित्री जी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक मिनट, पिन हो चुका है, पढ़ के बताइए। क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़िए, जैसे ही कंफर्मेशन आएगा मैं पोल ओपन कर दूंगा। आंसर नहीं देना है, बस बताना है कि हाँ सर पढ़ लिया, ओके। चलिए पोल ओपन हो रहा है,
तो क्वेश्चन था आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन जो है वो अपने सहकर्मी समूह द्वारा दी गई प्रगति के संदर्भ में छात्रों की प्रगति का आकलन करता है, ठीक है, ये आपको बताना था। और इसमें आपका ऑप्शंस है स्व संदर्भित मूल्यांकन, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, या मानक संदर्भित मूल्यांकन, या निर्माणात्मक मूल्यांकन। टॉप फाइव में है प्राची जी, मेनका कश्यप जी, क्रांति वर्मा, अनिता मुकेश और लक्ष्मी शुक्ला। ओके, तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो ये क्या होता है कि जब प्रारंभिक मूल्यांकन जो होता है वो अपने अंतिम चरण पर होता है तो उस समय में योगात्मक मूल्यांकन की इमीडिएटली आवश्यकता होती है, और कक्षा परीक्षा या मासिक परीक्षा या प्रश्नोत्तर आदि की अगर आप बात करते हैं तो वो सब आपका बहुत ही ज्यादा निर्माणात्मक मूल्यांकन का भाग है, सबके बारे में आप देखिए, है ना। और विद्यालय द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाएं में जो है योगात्मक मूल्यांकन के जरूरी हिस्से हो हैं। लेकिन मानक संदर्भित मूल्यांकन अगर करते हैं तो ये बोलते हैं कि इस प्रकार का मूल्यांकन छात्रों की प्रगति का आकलन उनके सहकर्मी द्वारा की गई प्रगति के संदर्भ में की जाती है, राइट। स्व संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है? इसमें मूल्यांकन में छात्रों की प्रगति उनके स्वयं के संदर्भ के आकलन में की जाती है ना। तो मानक संदर्भित मूल्यांकन, जिन लोगों ने सी आंसर दिया उनका सी आंसर करेक्ट था, राइट। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं सब लोग अगले क्वेश्चन से आंसर करिए, और क्वेश्चन आपको कमेंट में पिन किया जा रहा है, राइट, और पोल उसके बाद ओपन किया जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, पढ़ के हो जाता है तो जस्ट कंफर्म करिए। क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद एक बार आप कंफर्म करिएगा क्वेश्चन पढ़ लिया है, एक भी कंफर्मेशन आएगा तो मैं पोल ओपन करूंगा, मतलब एवरेज पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। ओके, चलिए पोल ओपन किया जाए। ओके, चलिए पोल ओपन के साथ प्राची जी विद इन अ सेकेंड आंसर कर रही हैं पिछले कुछ समय से, और करेक्ट आंसर कर रही हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की एक अच्छी योजना का हिस्सा नहीं है? ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन की योजना का अच्छी योजना का हिस्सा नहीं है। 63% लोगों ने अभी तक करेक्ट जवाब दिया है। वैधता, संकीर्णता, विश्वसनीयता या निष्पक्षतावाद, बताइए सब लोग। टॉप फाइव है प्राची जी, नेहा शर्मा, क्रांति वर्मा, सीमा और कनिष्ठ। बाकी लोग भी आइए टॉप फाइव में, अगले क्वेश्चन में बाकी लोग भी आइए टॉप फाइव में। अभी तक का ओवरऑल अगर टॉप थ्री देखते हैं तो प्राची जी फर्स्ट, क्रांति वर्मा सेकेंड, सीमा जी थर्ड, बाकी लोग ओवरऑल मतलब स्टार्टिंग से अभी तक का। ओके, तो ये क्वेश्चन था आप लोगों की, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन की एक अच्छी योजना का हिस्सा नहीं है? तो वैधता यानी कि वैलिडिटी बिल्कुल है, विश्वसनीयता भी है, निष्पक्षता भी रहनी चाहिए, संकीर्णता जो है दिमाग के अंदर की संकीर्णता वो नहीं है, राइट। और मैं आपको कुछ और टर्म बता देता हूं जो मूल्यांकन की अच्छी योजना में आती है। वैधता और विश्वसनीयता आपने देखा, निष्पक्षतावाद भी देखा, इसके बाद अगर आपको व्यापकता रहे ऑप्शन में, या नैदानिकता रहे जो निदान के संदर्भ में रहे, साध्यता रहे या उच्च श्रेणीकरण रहे, ये सब टर्म अगर आपको रहे तो ये आपको चूज करना है, ठीक है। एडिशनल बातें ये है, लेकिन संकीर्णता कभी भी आपको अच्छी नहीं होती है किसी भी चीज में, ठीक है। संकीर्ण दिमाग, संकीर्ण मस्तिष्क कभी भी किसी चीज में अच्छा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, सब लोग जो पिन किया हुआ है क्वेश्चन उसे पढ़िए।
पोल शुरू किया जाए। ओके एक सेकेंड से कम समय में भी लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं, सब लोग आंसर करिए, फिर मैं टॉप फाइव बताता हूं और आंसर बताता हूं। काफी लोगों का करेक्ट हो रहा है भाई देव, आपको पता चल ही रहा होगा, आपके पोल में भी आपको पता चल रहा होगा, दिख रहा होगा, काफी लोगों का करेक्ट हो रहा है इसमें। तो टॉप फाइव है नेहा शर्मा, मेनका कश्यप, अजीत चौबे, क्रांति वर्मा, अनीता मुकेश यादव। इस बार कुछ नाम बदले हैं, अगले बार बाकी लोग ट्राई करिए कि पूरा नाम बदले, सब लोग आइए टॉप में। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है? शिक्षक की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, विषय का ज्ञान या उच्च मानकीकृतता। तो काफी लोगों ने विषय का ज्ञान दिया था, राइट, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गुण की अगर आप बात करते हैं, है ना, तो वो है धैर्य और दृढ़ता, क्योंकि धैर्य और दृढ़ता जो है वो कठिन परिस्थितियों में सहनशीलता देता है और दृढ़ता, दृढ़ संकल्प प्रदान करता है, जिसके द्वारा कि एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। धैर्य सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है जो एक शिक्षक के पास होता है। प्रत्येक अच्छे शिक्षक को अपने छात्रों के साथ काम करने में और सम्मान अर्जित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, राइट, इसलिए धैर्य और दृढ़ता यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। अगला क्वेश्चन आने वाला है, चलिए पढ़ के बताइए। क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद आप कंफर्म करिए क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, फिर हम आपको पोल ओपन करेंगे। आंसर कमेंट में नहीं देना है, बस बताना है कि क्वेश्चन पढ़ लिए। ओके चलिए, पोल स्टार्ट हो रहा है। ओके स्टार्टेड, मेरे स्टार्टेड बोलने तक में कितना आंसर आ जाता है। तो देखिए वही बात है, सिर्फ आंसर देना नहीं है, करेक्ट आंसर देना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ने का भी टाइम दे रहा हूं। आपकी कक्षा में एक छात्र लगातार बेईमानी प्रदर्शित करता है और दूसरों को अक्सर दोषी ठहराता है, तो उसकी समस्या क्या हो सकती है? काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, नेहा, सीमा, क्रांति, पूजा, अरुण जी, ये पांच लोगों ने आंसर दिया। अभी तक में टॉप वन में है क्रांति वर्मा, टॉप टू है सारे क्वेश्चन मिला के मेनका कश्यप, तीसरे नंबर पे है सीमा जी, चौथे नंबर पे ममता, पांचवे नंबर पे रिंकू जी। ओके, तो क्या होता है देखिए कि आपकी कक्षा का कोई छात्र अगर बेईमानी प्रदर्शित करता है, दूसरे को दोषी ठहराता है, तो क्या होता है कि जो बच्चे, ए आंसर इसका है आत्मसम्मान का अभाव, जो बच्चे कम आत्मसम्मान वाले होते हैं ना, वो खुद को अनिश्चित फील करते हैं। ये यहीं पर देख लीजिए, जो बच्चे लगेगा कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, वो अपना नहीं आगे बढ़ के दूसरे को नीचे करने की कोशिश करेगा। अगर उन्हें लगता है कि दूसरे उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वे समाज में शामिल नहीं हो सकते, वे दूसरों के साथ, उनके साथ खराब व्यवहार करने लगते हैं, है ना, उनके पास खुद के लिए खड़े होने का कोई साहस नहीं होता, वे आसानी से हार मान सकते हैं, राइट, वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। तो कम आत्मसम्मान वाले बच्चे जो है वो गलती करते हैं, गलती करने, हारने या असफल होने पर परिस्थिति का सामना करने पर उनको मुश्किल होती है, इसलिए वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते जितना वो
कर सकते हैं, है ना, इसलिए उनकी प्रदर्शन अच्छी नहीं होती है। ये कम आत्मसम्मान वाले बच्चों के लिए होता है, इसलिए वो करेक्ट आंसर था। चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट चेंज करेंगे, अलग सब्जेक्ट का पूछेंगे, लेकिन इस बीच में अगर जो लोग अपने दीपक सर स्पेशल ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और आने वाले फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री मटेरियल्स या फ्री तैयारी, फ्री क्लासेस की फायदा उठाना चाहते हैं, तो अभी जस्ट मैंने लिंक दिया है, जो लोग नए हैं वो इस लिंक से, जो लिंक पिन किया हुआ है, इस लिंक से अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक मैं आपको सब्जेक्ट चेंज करके अगले सब्जेक्ट की क्वेश्चन सब तक लाता हूं, ठीक है। 1 से 2 मिनट टाइम है, आपको ब्लू लिंक क्लास में पिन किया हुआ है, वहां से आप हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्लासेस, फ्री मटेरियल्स इत्यादि आपको वहां पर दी जाती है, राइट। चलिए जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं फटाफट, मतलब जो नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट जुड़ जाइए, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको दोबारा जुड़ने की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम का टाइम है, एकदम लास्ट मिनट, एकदम टेम्परामेंट मस्त होना चाहिए, और मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए इसमें साथ में हूं, बिल्कुल चिंता मत करिए। ओके चलिए अब हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जिनको भी जुड़ना है विद इन अ मिनट जुड़ जाइए, ब्लू लिंक आपको कमेंट में पिन किया हुआ है, सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च की गई है, आगे भी नई टेस्ट सीरीज आ रही है आपके लिए फटाफट। ओके अभी से एग्जाम तक में बिल्कुल हर एक चीज का बेहतर रिविजन करना है, हर सब्जेक्ट का, इसलिए आपको अभी भी टेस्ट सारे सब्जेक्ट का लिया जा रहा है। ओके चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो लोग भी नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जुड़ जाइए फटाफट, ये सिर्फ स्पेशल क्लास वाले बच्चों के लिए है, ऐसे YouTube पर के बच्चों के लिए सिर्फ नहीं है ये, वो लोग नहीं आएंगे इसमें, सिर्फ स्पेशल क्लास वाले बच्चे आएंगे इसमें। ओके वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के बताइए। पढ़ लिया तो बताइए, हिंदी में ज्यादा टाइम नहीं लगता होगा पढ़ने में। पोल, ओके पोल ओपन हो रहा है, सब लोग आंसर करिए, काफी करेक्ट आंसर आ रहा है लेकिन गलत भी आ रहा है, 63% अभी करेक्ट है। से यहां पर क्या होगा, टॉप फाइव है नेहा शर्मा, नीतू राणा, मेनका कश्यप, क्रांति वर्मा और सुधाकर वाजपेयी। अपदान, बिल्कुल क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अच्छा एक कमेंट आ रहा है व्हाट्सएप पे कि सर थोड़ा आराम से पोल ओपन करिएगा, इसमें नेटवर्क इशू भी है ना, अच्छा इसलिए मैंने आप लोगों से कमेंट में पूछा है कि आप लोग जब पढ़ ले अच्छे से तब बताइए, क्योंकि मेरे लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है कि आपकी टाइमलाइन भी बनी रहे, है ना, और आपका क्वेश्चन पढ़ने का परफेक्शन भी बना रहे। मैं ये नहीं चाहता हूं कि जल्दबाजी में आप कुछ आंसर कर दे, और ये भी नहीं चाहता हूं कि झूठ मूठ का डिले हो, दोनों ही चीजें एग्जाम हॉल में एक्यूरेसी भी चाहिए और ये भी चाहिए, इसलिए अब आपकी तैयारी फुल एंड फ्लेजर इस पर हो रही है, बिल्कुल हम पर्याप्त टाइम देंगे, जब आप लोग बोलेंगे एक या दो लोग बोल देंगे कि सर पोल, तब जाके पोल ओपन होगा। क्वेश्चन था आपका पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से क्या होगा, पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अलग होने में पंचमी विभक्ति लगती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, है ना याद ही आपको, तो करण भी से और आपादान भी से, करण से में जैसे मैं कलम से लिखता हूं,
तो इसमें तृतीया विभक्ति लगेगी, लेकिन वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ये पंचमी विभक्ति लगेगी। संस्कृत वाले जान लें, वृक्षार्थ पत्राणि पतन्ति, पंचमी विभक्ति लगती है, इसलिए पेड़ से पत्ता गिरता है। ये हिंदी में भी अगर आप देखिए तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो इसलिए इसमें आपादान कारक लगेगा। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? ओके, अगर यहां पर रहता मैं कलम से लिखता हूं, तो मैं कलम से लिख रहा हूं, कलम मेरे साथ है, तो उसमें कर्ता कर्म करण तीसरा लगता, ठीक है? ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, चलिए, थोड़ी बहुत मुझे भी हिंदी आती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, काफी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए, तो पोल ओपन करूंगा मैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हड़बड़ी मत करिए पोल के लिए। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए तब बताइए। पढ़ लिया राइट? चलिए, ओके, पोल विल बी ओपन नाउ, पोल विल बी ओपनिंग नाउ। ओके, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन देखिए पहले। चलिए, सबका आंसर आने दीजिए। जो भी लोग कमेंट कर पा रहे हैं बिल्कुल आप बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तब पोल लिखिएगा। आप लोगों के फायदे के लिए ही ये क्लास आ रही है, तो आप लोगों को फायदा हो तो मजा है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है इस वाक में, थोड़ी बहुत शब्दों का परिचय दें। टॉप फाइव की बात करते हैं तो अजीत चौबे जी, अशोक राजपूत, दिनेश कुमार लोढ़ा, सोनम पाल और पूनम जी। तो यहां पर क्वेश्चन आपका क्या था कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है वाक्य में, थोड़ी बहुत शब्दों का परिचय दें। थोड़ी बहुत का मतलब क्या हो, थोड़ी बहुत क्या है? तो इसका आपका बी आंसर करेक्ट है। थोड़ी बहुत सबसे पहले तो विशेषता है, ये एक विशेषण है, ओके? उसके बाद अनिश्चित है, थोड़ी बहुत का निश्चित हुई। अगर मैं बोलूं कि मुझे एक चैप्टर जानकारी है या मेरे पास एक किलो दूध है तो वो निश्चित है, लेकिन यहां पर अनिश्चित है। तो थोड़ी बहुत की अगर आप बात करिएगा तो ये अनिश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक है और स्त्रीलिंग है ना? थोड़ी बहुत, थोड़ा तो मैंने नहीं बोला, थोड़ी बहुत बोला, तो थोड़ी बहुत स्त्रीलिंग है और कर्मवाचक, ये कर्ता नहीं है, ये कर्म है, तो कर्मवाचक है, ठीक है? तो इसलिए आपका इसमें थोड़ी बहुत का बी ऑप्शन होगा, विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक, स्त्रीलिंग और कर्मवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन बना पाते हैं। क्वेश्चन छोटा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, लीजिए, आइयो राम, सबको आंसर देना, क्वेश्चन पढ़ के बताना, फिर मैं पोल ओपन करना। कर दूं इसमें तो ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ओके, बताइए फटाफट। बाय द वे आंसर सबको करना है, आंसर सब लोग करिए, गलत सही जो भी हो फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइम पे अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पोल कर रहे हैं, बस दैट्स इनफ।
टॉप फाइव में आए हैं नेहा शर्मा, नीतू राणा, अजित चौबे, प्रज्ञा त्रिपाठी, अशोक राजपूत। क्वेश्चन आपका क्या था उससे पहले हम देख लेते हैं कि अभी का ओवरऑल टॉपर्स कौन कौन हैं अभी तक के क्लास के। फर्स्ट है ज्योति कुमारी, सेकंड है अजित चौबे जी, थर्ड है क्रांति वर्मा अभी तक के ओवरऑल। ज्योति जी ने 11 में से 8 जवाब दिए हैं, अजित जी ने 11 में से 7 और तीसरे में भी 11 में से 7, लेकिन टाइमिंग का फर्क है। तो ये क्वेश्चन था आपको कि निम्नलिखित में से बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है, विशिक, दामिनी, चपला या छंद प्रभा, इनमें से क्या जो है वो बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो दामिनी, चपला और छंद प्रभा जो है ये बिजली का पर्यायवाची है, लेकिन विशिक बिजली का पर्यायवाची नहीं है। जो कमेंट कर पा रहे हैं क्या वो बता सकते हैं बिजली किसका पर्यायवाची है, विशिक किसका पर्यायवाची है, जो भी लोग कमेंट कर, जो लोग कर पा रहे हैं बता सकते हैं विशिक किसका पर्यायवाची है, कोई भी? बता सकते हैं? ओके, मैं बताता हूं, विशिक बाघ का पर्यायवाची है। विशिक बाघ का पर्याय क्या कहते हैं, बान, बान, बान होता है ना, बान, बान का पर्यायवाची है, बाघ निकल गया मेरे मुंह से, विशिक बान का पर्यायवाची है, और दामिनी, चपला और छंद प्रभा ये तीनों बिजली के पर्यायवाची है, राइट? ओके जी, नीतू जी, प्रज्ञा जी, धन्यवाद, अशोक जी, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उम्मीद है कि मजा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका हिंदी से है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको हिंदी संस्कृत दोनों में पैदा हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल साइलेंस के साथ जैसे एग्जाम में पढ़ते हैं, फिर बताइए, फिर बोलो तुम्हारे सब लोग। पोल किया जाए, ओके, ध्यान से क्वेश्चन को आंसर करिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा उनका गड़बड़ हो जाएगा, और यही गड़बड़ एग्जाम में भी होगा, बिल्कुल एग्जाम के रिलेटेड आपको यहां पर है, इसलिए ध्यान से कौन सा कथन सही नहीं है, डी क्यों होगा, डी तो नहीं लगा हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है मैं आपको बताता हूं अभी, सब लोग पोल करिए फिर आगे की प्रक्रिया होगी। हड़बड़ा के आंसर देना मतलब गड़बड़ा के, चलिए टॉप फाइव यहां पर सुधाकर और रिंकू, अदिति, अजित और परु दीक्षित, इतने लोगों ने टॉप फाइव में थे। चलिए क्वेश्चन क्या था आपका, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बच्चे की भाषा पर सामाजिक तत्वों का प्रभाव भी पड़ता है, ये भी सही है, चौथा ऑप्शन बच्चे अपनी अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ आते हैं, किसने कहा कि नहीं जाते हैं, ये तो नहीं बोला गया कि कौन सी भाषा, आपकी अपनी जो भाषा रहती है उस भाषा को विकसित करके आप विद्यालय जाते हैं, जब आप विद्यालय पहुंचते हैं तो आपकी जो घर में भाषा है वो भाषा विद्यालय के लेके जाते हैं, जो लोग डी मारे उनके लिए, और सी क्यों होगा, बिल्कुल विकसित होती है, मैं बताता हूं, जब भी आप अपने घर में जो भी भाषा बोलते हैं आप 6 साल तक उस भाषा में बिल्कुल विकसित हो जाते हैं और उस भाषा को लेकर आप विद्यालय जाते हैं, और सी क्यों होगा, और सी क्यों बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि
क्या है कि सामाजिक भाषा के माध्यम से बच्चा पूरी दुनिया से संवाद करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी बच्चा प्रत्येक, क्योंकि प्रत्येक समाज या क्षेत्र जो होता है उसकी भाषा अलग अलग होती है, इसलिए यह संभव नहीं है कि कोई बालक एक सामाजिक भाषा के माध्यम से हर एक व्यक्ति से संवाद स्थापित कर लें। आप चले जाइए तमिलनाडु में संवाद स्थापित कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। आप चले जाइए कनाडा में कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो सामाजिक भाषा के माध्यम से आप पूरी दुनिया से संवाद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी एक अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय जाते हैं। जब आप विद्यालय जाते हैं, आप विद्यालय की छोड़िए, आप 3 साल 4 साल में प्ले स्कूल जाता है तो बच्चा उधर बैठो इधर बैठो वहां की भाषा में। मेरा भतीजा एक बंगाल के स्कूल में पढ़ता है, हम लोग बंगाली नहीं जानते हैं, लेकिन वो वहां पे रहता है, जाता है तो वहां वहां की भाषा के हिसाब से उसको बताया जाता है। और बच्चा जब अब उस फेज में जाता है तो आप याद कर लीजिए 6 से 14 साल है, राइट, 6 साल। तो वहां पर आप जब जाते हैं विद्यालय तो अच्छी खासी भाषा विकसित करके जाते हैं। इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है। कोई भी एक भाषा के साथ आप हर जगह संवाद नहीं कर सकते हैं। आपको हिंदी आती है, मुझे नहीं आती है, तो आप मेरे से संवाद कैसे करेंगे? अभी कुछ लोग होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, वो आपसे कैसे संवाद करेंगे, राइट? सब लोगों को ये ध्यान रखना है। जो लोग कमेंट कर पा रहे हैं आप क्रॉस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन पिन कर दिया गया है, पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने में आप लोग टाइम नहीं देते हैं, पोल में हड़बड़ाइए मत। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बताइए, पोल ध्यान से पढ़ने के बाद, हड़बड़ी कुछ नहीं है। ओके, चलिए पोल शुरुआत किया जाए। डुक डुम डुक डुम डुक डुम। ट लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है अभी तक। सब लोगों को आंसर करना है। टॉप 5 हैं, क्रांति वर्मा, विमेन का कश्यप, पूजा शुक्ला, प्राची और नेहा शर्मा जी, टॉप 5 में। ओके, चलिए क्वेश्चन है कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई भाषा पढ़ते हैं तो वो साथ साथ भाषा भी सीख जाते हैं, राइट? ओवरऑल रेटिंग है अजीत चौबे जी फर्स्ट, परु दीक्षित जी सेकेंड, ज्योति कुमार जी थर्ड अभी तक में। ओके, राइट, तो बच्चे साथ साथ भाषा भी सीख जाते हैं, अधिकतर लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। अब देखिए ये क्वेश्चन याद होगा तो बताएंगे, हर तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। बताइए इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए, मैं पोल ओपन करूंगा। पोल इसमें कितना टाइम लग रहा है, इसमें तो हो जाना चाहिए अभी तक। ओके, चलिए
टॉप फाइव में है नेहा शर्मा, प्राची, क्रांति वर्मा, पूजा शुक्ला और अशोक राजपूत। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपको आने वाला है मैथमेटिक्स से, अगला क्वेश्चन आपको आने वाला है मैथमेटिक्स से। ये लीजिए क्वेश्चन और आंसर करिए। ओके, आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं इसमें। ये वाला जो पिन क्या है उसके बारे में बताइए। आंसर आ जाए तो बताइए, एक दो आदमी भी बोल देंगे, मैं पोल ओपन कर दूंगा। हो सके तो कॉपी कलम साथ में रखिए। कर दूं पोल? आप जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है वो जल्दी में पोल करने बोल रहे। कर दूं पोल? एक और कोई लोग बोलिए, अनुज यादव जी ने लिखा है, कोई एक और कमेंट आए तो मैं कर दूंगा पोल। ओके, चलिए मैथमेटिक्स का था इसलिए मैंने थोड़ा टाइम दिया। जी बैक टू बैक क्वेश्चन हो रहा है इसलिए आपके लिए इजी क्वेश्चन लाया गया मैथमेटिक्स का, मतलब ठीक है इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं। 03 ये पैटर्न क्या है कोई लिख सकते हैं, जो लोग कमेंट कर पा रहे हैं कौन सा पैटर्न है आप लिख दीजिए कमेंट में। ओके, चलिए काफी लोगों ने इसमें करेक्ट आंसर दिया है। ओके, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का जो टॉप थ्री था वो मैं देखना भूल गया, वो चला जा चुका है, लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन में जो पैटर्न है वो नीतू जी ने लिखा है, पहले में यहाँ पर प्लस 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। ये बाय द वे एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूं, ये एक्चुअल में क्या है, ये 1 square minus 1 है पहला वाला, दूसरा है 2 square minus 1, तीसरा है 3 square minus 1, चौथा है 4 square minus 1। समझे बात? समझ में आई? आपको ये वाला पैटर्न याद रखना है, नहीं तो आगे जाके फंस जाएंगे। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है बन गया, लेकिन एक्चुअल पैटर्न इसका ये था। समझ में आई? 0 क्या है? 1 square minus 1, उसके बाद ये क्या हो गया, 3 क्या है? 2 square minus 1, 8 क्या है? 3 क्या है? 2 square minus 1, 8 क्या है? 3 square minus 1, इस टाइप से आपको ये करना था। ठीक है, मैं ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा हूं क्योंकि जो भी पॉसिबल अभी आप लोग को जल्दी में है वो आंसर करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा, चलिए फिर मैंने आपको ये नहीं दिया, चलिए मैं विकल्प दे रहा हूं। चलिए लेटेस्ट वाला मैंने पिन कर दिया, बताइए पोल ओपन करना है तो बताइए। सब लोग हर चैप्टर से मस्त मस्त क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग कोशिश करिए बताने का। ओके,
ए बाय बी धनात्मक है तो कौन सा किसी भी केस में धनात्मक होगा? ये वाला चलिए पोल खत्म होने वाला है, इसमें पांच टॉप फाइव हैं, फर्स्ट है नीतू राणा जी, उसके बाद ममता जी, उसके बाद अरुण अरुण कुमार जी, उसके बाद प्रज्ञा त्रिपाठी, उसके बाद पूनम जी, ये टॉप फाइव हैं इस क्वेश्चन के जी। चलिए अब हम फिर से सब्जेक्ट बदलेंगे और हम आपको लिए चलेंगे ईवीएस के कुछ क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जो लोग अपने फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्लासेस, फ्री मटेरियल्स इत्यादि चाहते हैं वो अपना इस जो व्हाट्सएप ग्रुप पिंक किया हुआ इसमें जुड़ सकते हैं। जो आपके एग्जाम से रिलेटेड फ्री टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट की और क्या कहते हैं फ्री मटेरियल्स है, फ्री डिस्कशन है और जो क्लासेस हो रही है सब की वहां पर आपको डिटेल दी जाएगी, सब कुछ वहां पर कराया जा रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, वीडियो में फटाफट आप लोग क्या कहते हैं लिंक से जो है लिंक दिया हुआ उस लिंक से आप जुड़ जाइए। जस्ट एक मिनट का टाइम है, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूं, अगले चैप्टर पर। ओके चलिए जिनको भी जुड़ना है फटाफट जुड़ जाइए। ओके अभी राणा क्लास में ही है, बस आपको लिंक से जुड़ के आना है अगला क्वेश्चन, तब तक मैं ईवीएस पे जा रहा था आपको। ओके जो भी चाहते हैं फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह इत्यादि करने के लिए वो वहां पर जुड़ सकते हैं। ओके चलिए हो गया, क्लास में जुड़ने का टाइम खत्म, मतलब ग्रुप में जुड़ने का टाइम खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, पोल ओपन करूं मैं, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। पोल ओपन करूं मैं, चलिए चंद्रयान टू मिशन को कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान टू मिशन को कब लॉन्च किया गया? टॉप फाइव प्रज्ञा त्रिपाठी, क्रांति वर्मा, मेनका कश्यप, अरुण कुमार, ममता कर वासरा। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, चंद्रयान टू को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान वन के बाद यह भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित मिशन को 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43 आईएसटी यानी कि इंडियन टाइम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से उन्होंने इसे लॉन्च किया था। इसमें एक चंद्र आर्बिटर, एक लैंडर और एक प्रज्ञान नामक एक चंद्र रोवर भी शामिल हैं, राइट। ये चंद्रयान टू लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए फटाफट पिन क्या हुआ क्वेश्चन पढ़िए और बताइए, पोल ओपन करूं मैं।
पढ़िए और बताइए अगर पोल ओपन करना है तो। ओके किस ग्रह को सुबह और शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? बुध, शुक्र, शनि या अरुण? यह आपको बताना था और इसका करेक्ट आंसर काफी लोगों ने दिया है, टॉप फाइव में है सीमा, अरुण कुमार और नेहा शर्मा, उसके बाद शाह गुप्ता, प्रवीण और अशोक राजपूत। इन पांच लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है और इसका करेक्ट आंसर है शुक्र। शुक्र सूर्य से दूरी में ये दूसरा ग्रह है, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है और सबसे चमकीला ग्रह भी है और इसे जो है इसको शाम के तारे के साथ साथ सुबह के तारे के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र जो है वो घने बादल के आवरण से घिरा हुआ है, इसलिए इसे छिपा हुआ ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी की ही तरह है, इसलिए इसे पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आपको इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, उस टाइप का क्वेश्चन। चलिए पिन क्या हुआ है क्वेश्चन बताइए। बताइए बताइए आज आपका क्या क्या हो गया? अभी सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, अभी ईवीएस चल रहा है। हर तरह के कुछ कुछ प्रश्न मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। पोल करूं मैं? ये क्वेश्चन पढ़ने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पोल का तो टाइम हो गया है। पोल स्टार्ट। ज्वालामुखी पर्वत वेसुवियस कहां पे स्थित है? पता होगा तो बनाएंगे, नहीं पता होगा तो गलत बनाएंगे। कोई नहीं, तुक्का मारिए लेकिन बनाइए। कहां पे स्थित है? काफी लोग आंसर दे रहे हैं गलत। टॉप फाइव में कैसे गिनूं? पांच लोगों ने भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है। अरे बाबा, चार लोगों ने सही आंसर दिया है अभी तक, बस पांच भी नहीं पूर्ण रहे हैं। अब पांच हो गया, प्रज्ञा, सोनम, ज्योति और रिचा, पांच लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। ज्वालामुखी पर्वत वेसुवियस कहां स्थित है? इसमें तुक्का नहीं लगता है, ये इटली में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है जो इटली के कैंपनिया में नेपल्स की खाड़ी पर स्थित है, या नेपल्स के पूर्व में 9 किलोमीटर और तट से थोड़ी दूर पर है। यह कई ज्वालामुखियों में से एक है जो कैंपियन ज्वालामुखी चाप का निर्माण करता है, तो ये इटली में स्थित है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, ये भी कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में करेक्ट सबको लगाना है। बताइए फटाफट जल्दी, पोल ओपन हो रहा है, कर दूं ओपन पोल? राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? पता है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, इसमें क्या देरी। बाय द वे काफी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, इसमें काफी लोग गलत आंसर भी दे रहे हैं। हम्म,
क्वेश्चन है आपका, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो टॉप फाइव इसमें है अरुण कुमार, सीमा, पूनम, अजीत चौबे और ज्योत्सना कुमारी। और राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण व अनुसंधान की आप बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है और इसकी स्थापना केंद्रीय भूजल बोर्ड जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई है ना, और ये जो है नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और 1997 से ये लगातार अभी भी चल रहा है। तो ये आपका उत्तर रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। आज के टॉप थ्री रहे हैं पूरे क्लास के, ज्योति कुमारी वन, क्रांति वर्मा सेकेंड और ममता करवासरा जी थर्ड। ये टॉप थ्री हमारे आज के क्लास के रहे हैं, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और बाकी लोगों को भी मैं बोलूंगा कि एक करेक्ट अगर आपने आंसर दिया है तो आप गिन लीजिए, आपने कि आपको दिखाई होगा कितना करेक्ट आंसर आपने दिया है। तो दो चीजें हमारे क्लास में आपको अब मेंटेन करनी होती है, एग्जाम के काफी नजदीक है हम, तो दो चीजें मेंटेन करनी होती है, पहली होती है आपकी एक्यूरेसी, दूसरा होता है टाइमिंग। तो वो दोनों चीज है और काफी क्वेश्चन आपके सीडीपी मैथमेटिक्स ईवीएस और हिंदी के आपने हमने कराए और आप लोगों ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस भी किया, मजा भी बहुत आया और बहुत ही टाइमिंग पर आप लोगों ने जवाब भी दिया और उम्मीद हम रखते हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से करेंगे। हमारी क्लासेस लगातार जारी रहेंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास, अनअकैडमी के यूट्यूब क्लास और अपने योर ऑनलाइन पार्टनर यूट्यूब क्लास पर हमारी क्लासेस दे सकते हैं और आप लोग दीपक सर स्पेशल ग्रुप में है। हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज इनविंसिबल के ऐप पर है, वो भी आप देख सकते हैं, सब कुछ की आप लोगों को लगातार अपडेट दी जाती है। मिलते हैं नए वीडियो में आप लोगों से और हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बुक और जितने भी सारे ई बुक्स हैं सब कुछ आपके लिए हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और अच्छा लगा आप लोगों को आज क्लास करके, सारे सब्जेक्ट का मजा आया तो रेटिंग जरूर कर दीजिएगा, रिव्यू जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, दीजिए इजाजत अपने दोस्त दीपक को, बाय, जय हिंद।